मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर और प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर गोविंद मुजालदा की अनुशंसा पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक द्वारा सेगावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह मंडलोई को मनोनीत किया है। उनके इस मनोनयन के बाद मंडलोई देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंडलोई का पुष्पहारों से स्वागत और मुंह मिठा कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक प्रभारी राकेश पटेल, मेहंदी हुसैन नजर मोहम्मद, विनोद बघेल, तापी राम खाटरिया, अखिलेश यादव मौजूद थे। इस मौके पर मंडलोई ने बताया कि मुझे प्रदेश व जिला कांग्रेस संगठन ने जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहीं उपस्थित सभी कांग्रेस नेताओं का आत्मीय आभार भी व्यक्त किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आपको ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देवी लालबाई फुलबाई माता जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आज ही नियुक्ति पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अपने जो पार्टी का संगठन है उसको मैं बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा और भगवानपुरा विधानसभा कांग्रेस को मजबूत करूँगा। जय विजय जय कांग्रेस। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र सिंह मंडल सेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।